नमस्कार मित्रों, आज हम एमए फोर्थ सेमेस्टर की कक्षा में सामाजिक विसंगति पर अध्ययन करेंगे, एनोमी पे। एनोमी सामाजिक विसंगति एक प्रमुख सिद्धांत है जिस पे दुर्खीम और रॉबर्ट के मर्टन ने काफ़ी काम किया है। सर्वप्रथम सामाजिक विसंगति के बारे में दुर्खीम ने चर्चा की थी और उसके बाद दुर्खीम के विचारों को अमेरिकी समाज में प्रतिपादित करने का काम रॉबर्ट किंग मर्टन ने किया। एनोमी का अर्थ है समाज की ताकत। एनोमी का अर्थ है समाज की ताकत इतनी घट जाए कि वह अपने ही नियमों को लागू ना कर सके। वास्तव में नैतिक पतन का लक्षण है। एक स्वाभाविक सामाजिक घटना नहीं है, एक जो सामाजिक घटना स्वाभाविक नहीं है, दुर्खीम कहते हैं। वो कहते हैं समाज में सामाजिक असमानता, श्रम विभाजन का अपर्याप्त संगठन, समाज की नकारात्मक अवस्थाएं, बाजार की अर्थव्यवस्था के कारण धीरे धीरे अब समाज में बिखराव आ रहा है और इस बिखराव के कारण वो कहते हैं कि समाज में अप्रतिमान शून्यता बढ़ रही है, जिसे कि विसंगति या एनोमी से उन्हें कहा। ये फ्रेंच भाषा का शब्द है जिसे कि मर्टन ने यहाँ पे प्रयोग किया था, दुर्खीम ने इसको प्रयोग किया था। दुर्खीम ने फ्रेंच भाषा के शब्द एनोमी का समाज में विश्लेषण किया था और ये एक महत्वपूर्ण सिद्धांत बन गया। बाद में इसको रॉबर्ट मर्टन ने भी प्रयोग किया है। तो एनोमी क्या है, दुर्खीम कहते हैं एक स्वतंत्र चर है। यहाँ पे हम देखेंगे दुर्खीम और मर्टन की एनोमी की अवधारणा में कुछ अंतर है। दुर्खीम जो परिभाषा करते हैं वो कहते हैं एनोमी विसंगति समाज की वह स्थिति है जिसमें व्यक्ति पर समाज का नियंत्रण कम हो जाता है। व्यक्ति उन्होंने अपने आत्महत्या के सिद्धांत पर बताया कि व्यक्ति पर समाज का जब नियंत्रण कम हो जाता है तो व्यक्ति आत्महत्या की ओर कदम उठा लेता है। एनोमी की दुर्खीम की इस अवधारणा से मर्टन की अवधारणा थोड़ी बदलती है। मर्टन कहते हैं जब समाज के सांस्कृतिक लक्ष्यों, कल्चरल गोल्स को प्राप्त करने के लिए वैध साधन में निरंतरता नहीं रहती, अर्थात इन दोनों में वैध साधन और हमारे सांस्कृतिक लक्ष्य के बीच में अगर अंतर बढ़ जाता है तो एनोमी की स्थिति है। बोले आज अमेरिका में क्या है, आर्थिक सफलता को लक्ष्य माना जा रहा है। मर्टन ने कहा अमेरिका में आर्थिक सफलता लक्ष्य मानी जाती है, इसकी उपलब्धि पर ही पूरा जोर है। अभी हम देख रहे हैं कोरोना काल में भी अमेरिका ने लॉकडाउन नहीं किया, बोले हम आर्थिक प्रतिबंध नहीं लगाएंगे और उसका उनको खामियाजा भी भुगतना पड़ा। इस तथ्य को प्राप्त करने के लिए समाज के स्वीकृत साधनों को प्रयोग करने की बात करता है मर्टन। आपने देखा होगा देश में आज़ादी के पहले गांधी जी ने भी सिद्धांत प्रतिपादित किया था। वो कहते थे, गांधी जी का कहना था, गांधी जी ने भी एक समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो उनका कहना था हमें अपने साधन जो गोल हैं प्राप्त करना चाहिए लेकिन समाज के स्वीकृत साधनों मीन्स का प्रयोग करके ही। भ्रष्ट साधनों का उपयोग करके अगर हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं तो वो एक अनुचित काम है, जो कि आज समाज में हो रहा है कि अधिकतर लोग अपने लक्ष्य भ्रष्ट साधनों का प्रयोग करके कर रहे हैं। देखिए इसलिए समाज में विषमताएं बढ़ रही हैं और विचलन की स्थिति, विसंगति बढ़ रही है, क्योंकि कोई भी समाज में संपन्नता प्राप्त करना अनुचित नहीं है। गांधी जी का कहना था हर समाज में संपन्न होना समाज का लक्ष्य है, उसको होना चाहिए, लेकिन भ्रष्टाचार, तस्करी या आपराधिक क्रियाओं के द्वारा इसको प्राप्त करते हैं तो ये अनुचित है। मर्टन ने अपनी किताब में लिखा है, सोशियोलॉजिकल रिव्यू में भी उसने इसका संबंध विचलन के साथ जोड़ा है। मर्टन की एनोमी की परिभाषा वो ने दुर्खीम के से ही ली थी एनोमी, और कहा था, दुर्खीम ने कहा था समाज की सुदृढ़ता के संदर्भ में वो भी व्याख्या करते हैं। उनका कहना था कि दुर्खीम ने कहा आदिम समाज में सुदृढ़ता यांत्रिक होती है। इस समाज में लोग मित्रता, पड़ोसी, नातेदारी संबंधों से आपस में लिंक होते हैं, जुड़े होते हैं, लेकिन जब यही समाज यांत्रिक समाज जो है सावभी समाज बन जाता है ऐसे समाज पर नियंत्रण करना कठिन हो जाता है और इससे समाज में विचलन की समस्या उभरती है, क्योंकि अब व्यक्ति एक छोटे समाज से विशाल समाज में आ जाता है और फिर वो उसके व्यवहार भी विचलित होने लगते हैं। आत्महत्या में दुर्खीम ने इसी की बात की है, वो कहते हैं कि व्यक्ति समाज में उसका नियंत्रण कम हो जाता है तो आत्महत्या कर लेता है, अर्थात सामाजिक सुदृढ़ता ऐसी अवस्था है जिसमें वैचारिक एकीकरण देखने को मिलता है। वहीं एनोमी विसंगति एक ऐसी दशा है जिसमें समाज में भ्रम, असुरक्षा और मानकहीनता आ जाती है। अभी आपने देखा होगा कोरोना काल में आत्महत्या बढ़ी है, वही है, एक भ्रम है, असुरक्षा है, मानकहीनता है
उसका आपको देखा होगा एक बहुत बड़े फिल्म स्टार सुशांत सिंह ने करोड़पति, उसके अकाउंट में 18 करोड़ थे। इंजीनियरिंग का बेस्ट स्टूडेंट था, फिल्म का बेस्ट एक्टर था, लेकिन उसने आत्महत्या कर दी, क्योंकि कहीं ना कहीं भ्रम, असुरक्षा और मानकहीनता की स्थिति, नॉर्मलाइज की स्थिति आ गई थी। इसलिए वो कहता है दुर्कीम कि यांत्रिक समाज में सामूहिक प्रतिनिधित्व, कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन समूह की सुदृढ़ता को बांधे रखते हैं, वहीं सभी समाज में सुदृढ़ता कमजोर हो जाती है और व्यक्ति का व्यवहार, इसलिए विसंगतियां आ जाती हैं, व्यक्ति के व्यवहार में अनुमिक हो जाता है। मल्टन ने कहा कि दुर्कीम ने जो सभी समाज की बात की है वो वास्तव में व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन है। व्यक्ति जब किसी को व्यवहार करता है तो उसे अपने इर्द गिर्द समाज के साथ अनुकूलन करना पड़ता है। हमारे जो भी व्यवहार है हमको अडॉप्शन करना पड़ता है अपने आसपास के साथ, अपने परिवार के साथ, पड़ोसियों के साथ। और इसीलिए वो कहता है कि समाज में, उसने मल्टन ने 5 विकल्प की बात की है, वो कहता है इस जो अडॉप्शन की बात है इसके लिए मल्टन ने कहा, उसने अमेरिकी समाज का उदाहरण दिया कि अमेरिकन संस्कृति जो है भौतिक सफलता पर बहुत बल देती है। यहाँ अनेक व्यक्ति अपनी स्थिति के कारण ऐसी सफलता प्राप्त कर लेते हैं कि कभी कभी उसमें अक्षम होते हैं, वो सफलता लेना चाहते हैं, अपने आप को बढ़ाना, लेकिन अक्षम होते हैं। जैसे कोई व्यक्ति निम्न वर्ग में पैदा हुआ और बम उसके लिए उसने हाई स्कूल पास किया, तब वो उसके लिए पारंपरिक तरीके से भौतिक सफलता प्राप्त करना उसके लिए कठिन हो जाता, तो वो गलत काम करने लगता है और ऐसे में विचलन की स्थिति उत्पन्न होती। इसलिए मटर ने कहा कि अमेरिका में नशीली दवाओं का व्यक्ति नशीली दवाओं का व्यापार करने लगता है, महिलाएं वैश्यावृत्ति करने लगती, ये अनुरूपता है। वो कहता है जब हम सांस्कृतिक, हमारे सांस्कृतिक लक्ष्य जो हैं संस्थागत उपायों से पूरे किए जाते हैं तो ठीक है, लेकिन उसमें जब विसंगतियां आती हैं तो वो कहता है वो विचलन की स्थिति, एनोमी की स्थिति है, उसको प्रतिमान शून्यता भी कहा गया। इसके लिए उसने कुछ स्थितियां बताई हैं। बोला समाज में नवाचार होते हैं, इनोवेशन होते हैं, जिसमें व्यक्ति या समूह अपने सांस्कृतिक लक्ष्य तो पाने के लिए देखता है कि सांस्कृतिक लक्ष्य में, लेकिन जब उसके पास कोई संस्थागत उपाय नहीं होते हैं तो वो उनके नए नए नवाचार करने लगता है। जैसे अभी हुआ कोरोना काल में भारत में लोगों ने जो अच्छी अच्छी कंपनियां थीं वो सैनिटाइजर बना रही हैं, मास्क बना रही हैं, रेलवे ने अपने खराब डिब्बों को हॉस्पिटल में कर दिए, नवाचार है। इसलिए यहाँ तो ठीक है पॉजिटिव, लेकिन कुछ जगह कभी कभी हमारे नवाचार जो हैं वो भी अगर नहीं हो पाते सक्सेस तो व्यक्ति गलत काम करें। जैसे एक आर्मी अफसर बनना चाहता है लेकिन प्रतियोगिता में पास नहीं हो पाता तो वो फिर दूसरे तरीके लोगों से रिकमेंड करने लगता है, लोगों से अपने लिए अप्रोच लगाने लगता है। एक दूसरा उसने कहा है कि अनियमितता के लिए कर्मकांडी रिचुअलिस्टिक होते हैं। बोले समाज में व्यक्ति बार बार असफल होने पर धार्मिक कार्य करता है ना, जब बार बार असफल होता है तो वो कहता है पूजा पाठ में लग जाता है, चर्च जाने लगता है, मंदिर जाने लगता है और पूजा पाठ में सहारा अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए फिर वो एक दूसरा तरीका अपना रहा है। इसी का उनने उदाहरण दिया है, मटन कहते हैं नौकरशाही, यहाँ पे अफसर जो है सभी कदमों को उठाते हैं पर इस बात पर बल नहीं देते कि लक्ष्य पूरे हैं। अभी भारत में जो कोरोना काल में है, एक था कि हमको लॉकडाउन करना है तो अफसरशाही पूरी लग गई कि लॉकडाउन कर दिया, लेकिन उस लॉकडाउन से जब नुकसान होने लगा तो उन्होंने ओपन, अब ये स्थिति हो गई उन्होंने सभी चीज़ ओपन कर दी। अब यहाँ पे आप देखिए वो अपने बिल्कुल ब्यूरोक्रेसी के आधार पे सभी कदमों को उठा रहे हैं, वो ये देख नहीं रहे हैं कि वास्तव में हमको लक्ष्य हमारे पूरे होंगे या नहीं होंगे। तीसरी स्थिति मटन ने कहानी की ये है कि व्यक्ति ना तो अपने लक्ष्य को स्वीकार करता है जो सांस्कृतिक लक्ष्य हैं, ना ही उनके लिए कोई संस्थागत उपाय अपनाता है, वो पलायनशीलता करता है। जैसे आपने देखा होगा अभी हमारे यहाँ प्रवासी मजदूर पलायन कर गए, वो उनके पास सब कुछ था लेकिन धैर्य नहीं था, भय था उनके, तो उन्होंने कुछ उपाय नहीं किया, उन्होंने ना अपने लक्ष्यों के पे ध्यान दिया ना ही कोई संस्थागत उपाय अपनाए और वापस पैदल 1,000 किलोमीटर अपने घर की ओर चल दिए, या कोई साधु बन जाए या दरवेश बन जाए। इसी तरह मटन ने एक कहा, एक स्थिति होती है, चौथी स्थिति है बगावत, रिबिलियन। यहाँ पे क्या होता है, व्यक्ति सफलता के लक्ष्य और संस्थागत उपाय दोनों को खारिज कर देता है और उसके हिसाब से अपने वैकल्पिक लक्ष्य और उपाय अपना लेता है, वो खुद के अपने लक्ष्य बना लेता है, उपाय अपना लेता है और इससे क्या होता है कि धीरे धीरे वो अपने हिसाब से चलने, इसको उन्होंने कहा है ये जो है स्थिति जो है बगावत की, रिबिलियन है। जैसे आपने देखा होगा भारत में नक्सलवाद, आतंकवाद,
पंजाब का आतंकवाद, माओवाद, ये सारे क्या है कि जो उन्होंने संस्थागत उपाय भी खारिज कर दिए, अपने खुद के वैकल्पिक लक्ष्य रख लिए, अपने खुद के उपाय अपना लिए, तो ये कहलाती स्थिति बगावत की है। इसको उसने कहा कि अमेरिका ने इस तरह से बहुत सी हर जगह उन्होंने देखा इस प्रकार होती है, और ये जो स्थिति है ये वास्तव में समाज के लिए खतरनाक स्थिति होती है। इसके आधार पे उन्होंने कहा कि वास्तव में व्यक्ति जो है उन्हें हर समाज की सामाजिक संरचना के लक्ष्य होते हैं, उन्हीं लक्ष्यों को हर कोई प्राप्त करना चाहता है, और ये लक्ष्य जो है संस्थागत साधन या मानक हो जाते हैं। सांस्कृतिक लक्ष्य संवेगात्मक होते हैं, लोगों की महत्वाकांक्षाओं को बढ़ाते हैं, बताते हैं, और लक्ष्य ऐसे होते हैं जिन्हें सामान्यतः प्राप्त करने के लिए समूह के सभी सदस्य काम करते हैं। जैसे यूनिवर्सिटी का लक्ष्य है कि उसके सभी विद्यार्थी अधिकतर समाज के अधिकतम विद्यार्थियों को नवीनतम ज्ञान प्राप्त, इसलिए मान के चलता है कि वह ये लक्ष्य को प्राप्त करेगा और समाज को एक दिशा देगा, लोगों में खुशहाली आएगी। इसलिए देखिए विद्यार्थी नए नए नवाचार करता है, नए विषय लाता है, फिर अभिभावकों से मिलता है, विशाल समाज है, तो विद्यार्थी इसके साथ होते हैं और पारंपरिक प्रतिष्ठान के रूप में काम करता है। लेकिन हम देखते हैं कि प्रत्येक समाज में जहाँ सांस्कृतिक लक्ष्य होते हैं उन्हें प्राप्त करने के लिए वैध साधन होते हैं, और ये साधन समूह के सांस्कृतिक साधन संस्थागत साधनों का मानक होते हैं, लेकिन कभी कभी इन्हीं को गलत तरीके से आदमी करने लगता है तो वो विसंगति होती है। अर्थात साधन जो हैं व्यक्ति के अनुकूलन को नियंत्रित करते हैं। किसी भी समाज में विचलन की आवृत्ति न्यूनतम होती है। सांस्कृतिक लक्ष्य और संस्थागत लत एक साथ चलते हैं, लेकिन सदैव ऐसा होता है यह देखने में नहीं आता। कभी कभी समाज सांस्कृतिक लक्ष्यों की प्राप्ति पर अधिक जोर देता है, कभी संस्थागत साधनों पर जोर देता है, कभी समूह का झुकाव सांस्कृतिक लक्ष्य की तरफ हो जाता है और संस्थागत साधन उपेक्षित हो जाते हैं। जैसे अभी कोरोना काल में 25 मार्च को सरकार ने सांस्कृतिक लक्ष्य अपना समूह का लक्ष्य रखा कि लॉकडाउन रहना है, हमको घर में रहना है, जिससे कि कोरोना वायरस के COVID-19 के संपर्क में ना आए, चेन टूट जाएगी। और उसके बाद आप देखिए 31 मई तक ये करा, उसके बाद देखा कि धीरे धीरे अर्थव्यवस्था हमारी खराब हो रही है। 1 जून से सरकार ने अनलॉक पीरियड शुरू करा और धीरे धीरे करके बाजार में, फिर स्कूल कॉलेज में, फिर संस्थाओं में अलग अलग अवधि कम कर ली। पहले रात को कि शाम के 7 बजे तक ही मार्केट खुलेंगे, अब रात के 8:30 बजे तक मार्केट खुले हैं, रात के ये अलग अलग जो हैं। तो सरकार क्या कर रही है, यहाँ सांस्कृतिक लक्ष्य और संस्थागत साधन इनको लेके चल रही। आज हमारे यहाँ जो है धीरे धीरे सांस्कृतिक लक्ष्य और संस्थागत साधन जो है, इसके बाद आप देखिए हम आते हैं साध और प्रतिमान, क्योंकि हर व्यक्ति के साध साधन और प्रतिमान अलग अलग होते हैं। व्यक्ति इनको करते हुए समूह में भी स्वीकार करता है और अलग से भी करता है। मल्टन ने इसलिए कहा कि मनुष्य के व्यवहार का अनुकूलन विभिन्न स्थितियों में 5 प्रतिमान अपनाता है। पहला उन्होंने कहा कन्फर्मिटी, अनुरूपता, ये एक सांस्कृतिक लक्ष्य है, इसको दोनों मानते हैं, संस्थागत साधन भी इसके लिए अनुरूप होना चाहिए, कन्फर्मिटी होना चाहिए। नवाचार, इनोवेशन, इसमें भी सांस्कृतिक लक्ष्य होते हैं और संस्थागत साधन इसमें साथ नहीं देते। विधिवाद, रिचुअलिज्म, रिट्रिज्म वापसी, रिट्रिज्म विद्रोही, रिविलियम, तो अनुरूपता, अर्थात जब समाज में स्थायित्व होता है, अर्थात कोई आंतरिक कलह नहीं होता, तो समाज में अनुरूपता, अनुकूलन समान रूप से देखने को मिलता। अभी आज इस बार जनवरी 2020 से कोरोना के कारण समाज में स्थायित्व कम हो गया है। समूह के सदस्य अपने अपने संस्थागत साधन बदल रहे हैं, उसके हिसाब से वो स्थायित्व अनुरूपता लाने का प्रयास कर रहे हैं। नवाचार एक ऐसा व्यवहार है जिसमें व्यक्ति आधुनिकता और उत्तर आधुनिकता द्वारा निर्धारित लक्ष्य प्राप्त करने का प्रयास करता है, और समाज द्वारा अनुमोदित साधन जो है अपर्याप्त होते हैं। जैसे COVID-19 में समाज के जो अनुमोदित साधन थे अपर्याप्त हो गए। अब देखिए न्यू नॉर्मल की बात हो रही है, पहले ऑफिस में काम होता था, अब वर्क फ्रॉम होम होने लगा है, अब कॉलेज, स्कूल कॉलेज सब ऑनलाइन आने लगे, ये चीजें हैं। अर्थात वैध साधन से अब मालूम था कि हम निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सकते, इसलिए वर्क फ्रॉम होम कर दिया गया, ऑनलाइन कर दिया गया, ऑफलाइन को अलग किया जा रहा है, ये था। दूसरी चीज विधिवाद के लिए मल्टन कहते हैं कि हमारे यहाँ जितने भी धार्मिक क्रियाकलाप हैं लोग आँख बंद करके उनका पालन करते हैं, पूर्ण करते हैं, क्योंकि उन्हें करने की परंपरा चली आ रही। जैसे विवाह मंडप में दूल्हा दुल्हन अग्नि के भारत में 7 फेरे लेते हैं और पूरा माहौल जो है हर्षोल्लास से भर जाता है। यहाँ पे कई तड़क भड़क के साधन होते हैं, पार्टीज होती हैं,
पर किसी भी दूल्हा दुल्हन और उसके नातेदार स्पष्ट रूप से ये नहीं जानते कि अग्नि के चारों ओर जो चारों ओर फेरे लेते हैं उसका मेन उद्देश्य क्या है। बहुत कम लोग जानते हैं कि ये होगा, लेकिन सब नहीं जानते। ये कह रहे हैं ये वास्तव में विधि बात है। इस विधि बात में आंख बंद करके लोग समाज में अनुकूलन के लिए काम करते हैं। वापसी रिटिज्म यह व्यवहार का एक प्रकार है। इसमें व्यक्ति ना तो साध्य को स्वीकार करता है, ना ही उन्हें प्राप्त करने के लिए स्वीकृत संस्थागत साधनों को। अब देखिए, जिन परिवारों में विघटित होते हैं, वहां विघटित परिवार जो हैं, उनमें माता पिता बच्चे जो हैं, परिवार के लक्ष्य और साधनों के प्रति उनका कोई रुझान नहीं होता। वे वापस यानी रिटिज्म की श्रेणी में आते हैं और फिर वो वापस अपने उसमें आने लगते हैं। अब एक अपराधी है या शराबी है, वो समूह द्वारा उसको हमेशा अवहेलना करता है। समाज ने कहा है कि शराबखोरी बंद की जाए, अपराध ना किए जाए, लेकिन वो उसी काम को करता है, यानी वापस आता है। विद्रोह व्यक्ति के व्यवहार के लिए बताया गया, जब सांस्कृतिक साध और संस्थागत साधन में संघर्ष हो जाता है, मतलब सांस्कृतिक साधन और संस्थागत साध ये दोनों आपस में टकराते हैं, तो मर्टन कहता है अनोमी की स्थिति, विसंगति की स्थिति है। अर्थात इसमें साध और साधन दोनों ही एक दूसरे के विद्रोह करने लगते हैं, मानते नहीं, और इसमें आप देखेंगे समूह में बढ़ जाता है। जैसे यूथ क्या करते हैं, साध और साधन को स्वीकार नहीं करते और अपना एक अलग गैंग बना लेते हैं। अभी भी है, मास्क लगा के चलिए, लेकिन आज शहर में 10-20% लोग ऐसे हैं वो नहीं लगा रहे मास्क, बोले हमको नहीं लगाना, मतलब विरोध करते हैं। ये छोटे छोटे नुक्कड़ में चाय पी रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, मास्क नहीं लगा रहे हैं। तो ये एक साध और साधन का वृहद रूप जो है धीरे धीरे समाज को विसंगति की ओर ले जाता है। इसीलिए रॉबर्ट मर्टन ने कहा था कि हम लोग, हमारा जो समाज है, जैसा जैसा बढ़ता जा रहा है तेजी से एक एनोमिक समाज की ओर हम दौड़ लगा रहे हैं और मानकहीनता की कगार पकड़े, और इसलिए उसने एनोमिक सिद्धांत का विश्लेषण करने की बात की थी। दुर्खीम ने भी एनोमिक सिद्धांत को रखा था। उनका कहना था व्यक्ति में असीमित महत्वाकांक्षाएं बढ़ रही हैं, इससे हम व्यक्तियों को नियंत्रण रखने में हमारे जो समाज के मैकेनिज्म हैं, समाज की जो व्यवस्था है वो पूरी तरह से तहस नहस हो रही है। एनोमी सिद्धांत का बड़ा आधार जो है साध और साधन का तालमेल है। विसंगति जो है समाज में तभी होती है जब साध और साधन के तालमेल में बिखराव आ जाता है, तालमेल टूट जाता है, तो आपको देखेंगे समाज में असमानता आने लगती है, प्रतिमानता शून हो जाता है समाज। मर्टन का एनोमी सिद्धांत वास्तव में एक मिडिल रेंज थ्योरी है जिसका संबंध विचलन के सिद्धांत से, लेकिन फिर भी ये दोनों दुर्खीम के सिद्धांत को मर्टन ने अमेरिकी समाज के ऊपर प्रतिपादित करा एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है जो सामाजिक विसंगति यानी समाज में साध और साधन के बीच में तालमेल बनाने की बात करता है। ये दुर्खीम का सिद्धांत है जो फ्रेंच वर्ड एनोमी जो था विसंगति को लेके एक सिद्धांत सामाजिक परिप्रेक्ष्य में रखा, उसी में उनका आत्महत्या का सिद्धांत है। श्रम विभाजन की बात भी उन्होंने एनोमी के आधार पर की, और मर्टन ने सामाजिक विचलन के आधार पर प्रकारवाद को फिर आगे बढ़ाया। ये मर्टन का सिद्धांत।